सो हे गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो गेमिंग करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो गेमिंग से रिलेटेड होने वाली है। अगर जो आप गेम खेलते वक्त आपका फ़ोन लैग मारता है और उसमें बहुत सारी इशू होती है, तो आज के इस वीडियो में वो सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और हाँ, आपके पास कोई अगर 2 GB रैम वाला भी फ़ोन है तो उसमें भी गेम जो है अच्छे से चलेगा, ठीक है। बटर स्मूथ तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ इतना तो गारंटी देता हूँ कि पहले से जो है 10 गुना ज़्यादा ही बेहतर चलेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो के साथ आपको जुड़े रहना है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। तो यार देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको आगे से हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। एंड यार, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट में लिख देना है बेस्ट गेमिंग ट्रिक, ये कमेंट कर दें। साथ ही साथ ये भी हमें कमेंट बता दो यार, आपके पास कौन सा फ़ोन है, तो होगा तो मैं उसके ऊपर एक और स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप MI या रियलमी का 5 या 6 कौन सा यूज़ करते हैं वो हमें बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो ये कमेंट में बता दोगे तो अब चलते हैं ट्रिक की ओर दोस्तों। सबसे पहले आपको जो अपने फ़ोन में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर को, और अपने फ़ोन के अंदर भी एक सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, ऐसे आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ये जब ओपन कर लोगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक फीचर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कुछ आएगा, तो इसे ऑलराइट ये कर देना है। और यहाँ पे इसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। पहले तो प्लस पे आपको क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक कर देने के बाद आपका जो भी गेम है उसे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा लोग जो है पबजी के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, तो यहाँ पे हम गेम को सिलेक्ट कर देंगे। हमने गेम को सिलेक्ट कर दिया था, गेम को सिलेक्ट कर देने के बाद ओके कर देना है। जब आपका गेम इस लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो है आपको ऑन कर देना है, ठीक है। ये ऑन हमने कर दिया। ये ऑन हो जाने के बाद दोस्तों, यहां पर क्लियर बैकग्राउंड ऐप ये आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके एग्रेसिव इसे कर देना है, ठीक है। ये आपका मॉडरेट पर रहेगा, इसे एग्रेसिव कर देना है। एक बार अगर आप एग्रेसिव कर देते हो तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा आपके फ़ोन में। वो आपको और भी सेटिंग करना पड़ेगा, ये सब ऑटो रिजेक्ट कॉल वगैरह ये सब चालू कर दें, ठीक है। ये नोटिफिकेशन ब्लॉकिंग, तो आपका पिंग जो हाई हो जाता है ना, 600 ms, 700 ms, 400 ms, वो सब नहीं होगा प्रॉब्लम। ये कर देने के बाद दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉक इंटरनेट ऐप्स, इस पर क्लिक करके आपको जो जो फालतू लगता है ना, उन सबको ब्लॉक कर दो। ये ब्लॉक कहाँ हो, क्या हो रहा है, तो ब्लॉक फॉर इंटरनेट ऐप, मतलब इंटरनेट आपका जो है सिर्फ जो गेम खेलोगे उसी के ऊपर जाएगा, तो ये नहले पे दहला हो जाएगा। तो इसलिए अब फालतू ऐप को सबको बंद कर दो, और जो आपका पर्सनल गेमिंग जिससे आप करोगे उसको रहने देना है, ठीक है। ये सेटिंग कर दोगे तो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हो, लेकिन प्ले करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक सेटिंग और चालू करना है। सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट सेक्शन में जाने के बाद नीचे करो स्क्रॉल, बिल नंबर में आपको लगातार 3-4 बार क्लिक करना है। इस पे आ जाओ, बैक आ जाओ, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेटिंग है ऑन करना पड़ेगा। पहला तो दोस्तों, ये जो है ना स्टैंडर्ड लिमिट, इसको जो है आपको 2 कर देना है, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट 2 कर दोगे तो आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन रहेंगे बहुत सारे, वो सब जो है साइड हो जाएंगे, और जो आप पर्टिकुलर खेलोगे वो जो है बूस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको 2 कर देना है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को। मैंने यहाँ पे दोस्तों 2 तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको और भी एक सेटिंग करना पड़ेगा, जो कि नीचे आपको करना है, और यहाँ पे मिल जाएगा 4x MSA। इसे जब आप चालू कर देते हो तो आपके फ़ोन में जो है और भी ज़्यादा गेमिंग का ग्राफिक्स वगैरह अच्छे हो जाता है, आपको HDR में आपको दिखने लगता है ग्राफिक्स वगैरह। तो आपका 2 GB रैम भी है, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो इसे भी आपको चालू कर देना है, जो कि अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। तो ये सब दोस्तों हमने समझ लीजिए चालू कर दिया। अब इस सेटिंग्स हम बैक करेंगे, बैक होने के बाद हम यहाँ पे आ गए वापस। अब यहाँ पे हम गेम प्ले करेंगे, इंटरनेट मेक श्योर कि आपका चालू हो, और ये हम चालू करते हैं। अब देखो गेमिंग पावर क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर हमने इसे चालू कर दिया, वेट तो करना पड़ेगा, ये जो है अच्छे से लोड लेगा पहले। तो ये देख सकते हैं लोड लेना शुरू हो गया दोस्तों।
तो ये ग्राफिक्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगा अच्छा, और लोड लेने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमारा कुछ सेकेंड में यहाँ पर जो है पबजी लोड हो चुका है। यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि यार क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलता है। मैं थोड़ा सा गेमिंग वगैरह भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन किया और मेरा जो पबजी आईडी, अगर आप हमसे ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो हमारा पबजी आईडी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं स्मूथनेस, वाओ, बटरफ्लाई वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए क्या मस्त आपको यहाँ पे मिल रहा है इफेक्ट वगैरह, और जो एनिमेशन है पूरा फुल्ली स्मूथ यार, 60 फ्रेम रेट पर सेकेंड, मुझे तो लगता है उससे भी ज़्यादा, 60 फ्रेम रेट पर से ज़्यादा मिल रहा है हमें। तो ये देखिए आप बिल्कुल प्रो की तरह यहाँ पे खेल पाएंगे दोस्तों, सो दैट्स ग्रेट थिंग। और यहाँ पे हम जो है स्लाइड करके एनिमी को किल करेंगे। अभी लगता है मेरा ही किल करेगा क्या, ये देखिए दोस्तों। ओहो, मेरा रिलोड हो गया, रिलोड। ओह, तो देखा आपने यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे खेल पा रहा हूँ। तो इसका फायदा आप उठा सकते हो, और ये असल में मैं यार डेली यूज करता हूँ तो मुझे इस बारे में पता है। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये देख सकते हैं। सो दोस्तों, अभी हम गेम प्ले खत्म करते हैं। तो आपने देखा क्या इसका फीचर था, क्या पावर था। तो ये जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ये सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो जो मैंने सेटिंग बताया उन सबको आपको कर लेना है, उसके बाद आप डायरेक्ट प्रो प्लेयर बन सकते हैं, अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।